अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं टिप टॉप वर्ल्ड यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद जुबैर सुलेमान। नाज़रीन, आज का जो हमारा टॉपिक है वो यूके ने जो पाकिस्तान को रेड लिस्ट कंट्रीज में ऐड किया है उससे रिलेटेड है। तो टॉपिक पे जाने से पहले मैं तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट करूँगा चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो नाज़रीन, ये बात आम हो चुकी है कि यूके ने पाकिस्तान को रेड लिस्ट कंट्री में ऐड कर दिया और जिन लोगों के पास वीज़े हैं वो काफ़ी परेशान है कि इस सिचुएशन में कि वो ट्रैवल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो नाज़रीन, पहली बात तो ये है कि जिन हज़रात के पास यूके का वैलिड वीज़ा है पाकिस्तान रेड लिस्ट कंट्री में आने के बाद भी वो ट्रैवल कर सकते हैं। और दूसरी चीज़, उसमें जो उनकी गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट है कि आप अगर रेड लिस्ट कंट्री में आ गए हैं तो आपको जो है ना वहाँ पे सेल्फ आइसोलेट होना पड़ेगा, 10 दिन के लिए वहाँ पे सेल्फ आइसोलेट कर होना पड़ेगा और वहाँ पे आपको 2 मरतबा अपने कोविड टेस्ट करवाने पड़ेंगे। और इस सारे प्रोसीजर में आपके 1742 ब्रिटिश पाउंड लगते हैं, ये गालबन पाकिस्तानी 3 लाख के करीब बन जाते हैं। तो अगर तो आपके पास ये अमाउंट है और आप चाहते हैं कि आप ट्रैवल करें तो आप बिल्कुल कर सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है। फिर कई बंदों के सवाल यहाँ पे मेरे सामने ये भी आए कि क्या पाकिस्तान रेड लिस्ट कंट्री में ऐड हो गया और उस इससे कोई यूके एम्बेसी वीज़ा देने में कोई करेगी परेशानी करेगी। तो इससे रिलेटेड भी मेरा सवाल ये था कि अगर तो आप यूके अप्लाई करना चाह रहे हैं तो बिल्कुल करें जी, इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। हाँ, ये है कि आप अपना ट्रैवल प्लान जो है वो मैं तो आपसे यही कहूँगा कि आप 1 जुलाई के बाद अपना केस बनाएं और अपना जो ट्रैवल प्लान है वो अक्टूबर या नवंबर का दें। इससे आपको फ़ायदा क्या होगा, एक तो ये जो प्रोसीजर है हमारा कोविड का, ठीक है, इंशाल्लाह जून तक सब बंदों को वैक्सीनेशन जिस तरह हमारी वजारत से कर रही है और सब बंदों को जो है ना वैक्सीनेशन लग चुकी होगी और हमें आसानी ये हो जाएगी कि अगर हम रेड लिस्ट कंट्री में आए भी हैं तो हम निकल भी जाएंगे। तो इसके लिए सबसे पहले तो हमें एहतियात करनी है कि हम जो है ना मास्क का इस्तेमाल करें ताकि हम जल्द अज़ जल्द इन सारी सिचुएशन से निकल सकें। और फिर उसके बाद ये है कि जिस टाइम आप अक्टूबर का प्लान देते हैं, अक्टूबर या नवंबर का प्लान देते हैं, तो फुल डिटेल के साथ एक ट्रैवल प्लान दें जिसमें आप उनको अच्छे तरीके से वजाहत कर सकें कि आपने यूके ट्रैवल जो आपका विज़िट है वो किस रिलेटेड करना है और किस तरह करना है। तो इसके साथ साथ आप, मैं आज ये भी आपको बताता हूँ, जो अफराद यूके अप्लाई करने के लिए तैयार हुए हैं उनके लिए यही है कि आपने अगर अभी अप्लाई करना है तो रुक जाएं थोड़ा सा अरसा, 1-2 माह रुक जाएं, वैक्सीनेशन जिस तरह ही कंप्लीट हो जाएगी आप तब अप्लाई करें, इंशाल्लाह आपको वीज़ा मिलेगा। और ट्रैवल प्लान, मैं बार बार इस चीज़ पर जोर देता हूँ, मैं अपने तमाम तक क्लाइंट्स को ये बात वादा कहता हूँ, जिस टाइम भी आप बड़ी कंट्री का वीज़ा अप्लाई करें जिसमें USA, कैनेडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड या शेंजन और UK, इस तरह की जिस टाइम भी आप कंट्रीज़ का वीज़ा अप्लाई करें, आपके पास जो ट्रैवल प्लान है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए जिसमें आप उनको अच्छे तरीके से डिटेल बता सकें कि आप किस तरह जाएंगे और किस तरह आएंगे। तो इंशाल्लाह जो मेरी नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें मैं आपको बताऊंगा कि यूके फाइल किस तरह से आपने बनानी है, किस तरह से आपने ट्रैवल प्लान बनाना है और सारी चीज़ें जो होंगी वो मैं आपको फर्दर समझाऊंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।